हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैंने जो टॉपिक सिलेक्ट किया है आप लोगों के लिए वो है सोलर सिस्टम। ये सोलर सिस्टम का टॉपिक मैंने क्लास 1 और 2 को ध्यान में रखते हुए रेडी किया है। सो टुडे इन द टॉपिक ऑफ सोलर सिस्टम वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस फ्यू पॉइंट्स: कॉन्सेप्ट ऑफ इनर प्लैनेट, आउटर प्लैनेट एंड ड्वार्फ प्लैनेट्स, रोमन एंड ग्रीक नेम्स ऑफ द प्लैनेट्स, नंबर ऑफ मून्स इन ईच प्लैनेट एंड सम शॉर्ट क्वेश्चंस ऑन प्लैनेट्स। वैसे तो आपको बुक्स में, अपने सिलेबस के बुक्स में या फिर दूसरे बुक्स में भी सोलर सिस्टम मिल जाएंगे, लेकिन ये टॉपिक जो है थोड़ा काफ़ी वास्ट है अगर आप इसको डिटेल में पढ़ो तो। लेकिन मैं यहाँ पे आपसे वही सब डिस्कस करूँगी जिस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और जो लास्ट मिनट रिवीजन के लिए बच्चे को ज़रूरत होता है बिफोर द एग्ज़ाम। आई विल नॉट गो इन वेरी डिटेल्स क्योंकि क्लास 1 और 2 के लिए इतना डिटेलिंग भी ज़रूरत नहीं होती है, बट कुछ चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है उन्हें ध्यान में रखना चाहिए। तो एज लास्ट मिनट सजेशन मैं ये टॉपिक आपसे डिस्कस करूँगी आज। सो लेट्स बिगिन इट। सोलर सिस्टम, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सौर्यमंडल, इसमें हम सब जानते हैं कि सन रहता है और कुछ प्लैनेट्स रहते हैं। हमारा जो प्लैनेट है अर्थ, पृथ्वी, वो भी सौर्यमंडल का हिस्सा है। तो उससे पहले मैं एक क्वेश्चन आप सबसे डिस्कस करना चाहती हूँ जो कभी कभी एग्जाम में आता है कि हमारा जो प्लैनेट है अर्थ वो कौन से गैलेक्सी में आता है। लिटिल डिस्कशन ऑन गैलेक्सी कि कितने तरह के गैलेक्सी होती है हमारे यूनिवर्स में और हमारा अर्थ किस गैलेक्सी में आता है। फॉर ग्रेड 1 और 2 दिस इज मोर देन इनफ। लेट्स सी। सो एज यू कैन सी गैलेक्सी इज ऑफ 4 types: स्पाइरल, बियर्ड स्पाइरल, इलिप्टिकल, इरेगुलर। यू कैन सी इन पिक्चर्स, आपको पिक्चर्स मिल जाएंगे बुक्स में या फिर ऑनलाइन इंटरनेट में आपको पिक्चर्स मिल जाएंगे, बट फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड दे शुड नो द नेम्स ऑफ दिस गैलेक्सीज कभी कभी क्वेश्चंस में आ जाते हैं। और हमारा जो प्लैनेट है अर्थ वो स्पाइरल गैलेक्सी में आता है, इट कम्स अंडर स्पाइरल गैलेक्सी। This much I think is important for all the students of grade 1 and 2 that they should know it. Now let's come to solar system. Here comes the solar system. Solar system में हम इसे अगर देखें कि क्या क्या इसमें रहता है, sun the prime most important and 8 planets. 8 planets को भी हम categorize करेंगे, 4 inner planets, 4 outer planets. अभी हम देखेंगे कि inner planets और outer planets क्या होते हैं। Inner as we know मतलब अंदर वाला, outer means बाहर वाला। So inner planet means जो planets sun के inner radius में आते हैं वो है inner planets, and outer planets means जो sun के outer radius में आते हैं those are outer planets. Now let's see a picture. If we consider this circle as the sun, then I'm not drawing the whole track, just for bit explaining. This is the Mercury, M for Mercury, then comes B for Venus, a bit big, then comes Earth, then comes Mars. सो सन के जो इनर रेडियस में आने वाले प्लैनेट्स हैं मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये हो गए इनर प्लैनेट्स। आफ्टर दैट हियर कम्स द बिगेस्ट वन जुपिटर, देन सैटर्न, देन then Uranus and finally Neptune. तो इनका जो रेडियस है सन से डिस्टेंस ज्यादा है इनके रेडियस का, दे आर फार फ्रॉम द सन, सो दे कम्स अंडर आउटर प्लैनेट्स।
So this is the concept of inner planets and outer planets. Now we have seen what are inner planets and what are outer planets. इसके अलावा भी कुछ और planets होते हैं solar system में जिन्हें हम कहते हैं dwarf planets. There are 5 dwarf planets in the solar system as per known till now. क्योंकि as we all know science is changing daily, तो हर रोज कुछ new informations add होता है. But till now it is known there are 5 dwarf planets. और हम पहले जैसे कि कहते थे Pluto is a planet, लेकिन Pluto अभी जो है dwarf planet के category में आता है. Because this categorization has happened on the basis of the characters. एक planet बनने के लिए आपको जो जो characters चाहिए वो अभी तक इनमें नहीं मिली है. That's why they have been separated as dwarf planets. So now we will discuss some questions on these planets, which are very important for the exam. As for example, Mercury. If we say which planet is nearest to the sun, it is Mercury. ये question काफी बार exam में आता है. Which planet is nearest to the sun? It is Mercury. And which is the farthest one? See, it is Neptune. So Mercury is the nearest one, Neptune is the farthest one. Now the question comes, if Mercury is the nearest planet to the sun, it gets most of the heat of the sun. Sun ki sabse jyada dhoop, sabse jyada garmi, sabse jyada heat Mercury ko milta hai. Then Mercury sabse hottest planet of the solar system hona chahiye. But so logic yahan pe zara change hota hai ki Mercury is not the hottest planet of the solar system, although it is nearest to the sun. Why? Kyunki ek planet garam tab hota hai jab sun ki heat ko capture karne ke liye uske paas ek atmosphere hota hai. But Mercury has no atmosphere. इसलिए वो सन के हीट को कैप्चर ही नहीं कर पाता है. इसलिए वो हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम नहीं है. सो व्हिच नाउ द क्वेश्चन कम्स, व्हिच वन इज द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम? दैट इज वीनस. द नेक्स्ट वन, दैट इज द सेकेंड वन. इफ वी गिव देम ऑर्डिनल नंबर, मर्क्यूरी इज द फर्स्ट, वीनस इज द सेकेंड, अर्थ कम्स द थर्ड, मार्स इज द फोर्थ, देन कम्स जुपिटर द फिफ्थ, Saturn the 6th, Uranus the 7th and Neptune the 8th. So the second planet of the solar system, that is the Venus, it is the hottest planet of the solar system because it has the atmosphere to trap sunlight and sun's heat. So this is one question. Now the second question is regarding Earth. As we all know what is the color of the earth, as we see in books and pictures, it is blue in color because of the water of the oceans and seas all gets reflected and gives a blue color. So question comes, which is the blue planet? Aapko options diye rahenge, tick karna padega. So blue planet is the earth. Isse blue planet ke alawa ek aur bhi naam diya gaya hai, that is it is also called ocean planet because it is surrounded by oceans around it, and it is the only planet that supports life because iske atmosphere ke conditions kuch aise hain jo ki life ko support karne ke liye capable hai. Then comes Mars. Mars ke bare mein ek question kafi baar pucha jata hai, why Mars is called red planet? ऐसा भी पूछते हैं कि विच इज द रेड प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, तब हमें मार्स को क्लिक करना है या मार्स को टिक करना है. और मार्स के रेड होने का कारण क्या है? बिकॉज द आयरन पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ मार्स, वो एक रस्टी आयरन लेयर बनाता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके. एज वी ऑल नो आयरन व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स आयरन ऑक्साइड, दैट इज रस्ट. तो मार्स के सरफेस में जो डस्ट पार्टिकल्स के अंदर आयरन मिले हुए होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक आयरन ऑक्साइड का लेयर बनाते हैं मार्स के चारों ओर, विच इज रेड इन कलर.
That's why we see Mars as the red planet. Then comes Jupiter. It is the biggest planet of the solar system. Questions aise aate hain ki which is the biggest planet? So that is the Jupiter. Saturn is known for its ring. It has beautiful ring around it. So Saturn is known for its ring. Then comes Uranus and Neptune. Uranus और Neptune की दूरी Sun से काफी ज्यादा है, इसलिए उन तक Sun की heat इतनी नहीं पहुंचती जितने आगे के planets को पहुंचती है। नतीजा क्या हुआ? ये planets जो है काफी ठंडा है। इन्हें ice planets भी कहते हैं। तो which are the coldest planet of the solar system? We will say Uranus and Neptune. They are the coldest planet. Uranus is also the coldest planet of the solar system along with Neptune. Questions ऐसे भी कभी-कभी पूछे जाते हैं, ये जो planets हैं, इनके नाम Roman gods और goddesses के ऊपर दिए हुए हैं, तो what are those names? तो Mercury को क्या कहा जाता है, Venus को क्या कहा जाता है, इस तरह से भी questions आ सकते हैं. So we will make a list of the names of these planets as per their Roman gods and goddesses. So as you can see, I have listed up the name of the planets as per their Roman or Greek gods and goddesses. Mercury, the messenger of Roman god. Venus, Roman goddesses of love. There is no such name for Earth. Mars, Roman god of war. Uranus, Greek god of sky. Saturn, Greek god of agriculture. Neptune, Roman god of sea. And Jupiter, Roman god of kings. So these names we have to keep in mind while attending the paper because question comes from here. And beyond this, we should also know about the number of moons present in these planets. Sometimes question comes from there also. Ki kis planet mein kitne moons hai? Tick it out or sort it out. Here I have listed up the names of the planets and beside them the number of moons they contain. Mercury and Venus, they don't have moons. So question comes, which planets of our solar system do not have moon? हमारे solar system के कौन से ऐसे planets हैं जहाँ पे moons नहीं हैं? So that is the answer will be Mercury and Venus. Next, Earth के पास एक moon है. Mars has 2, Jupiter has 67, Saturn 62, Uranus 27 and Neptune 14. Sometimes question bhi aise aate hain ki can you name the moons of the planets? So that is up to you, kyunki kuch planet mein 62 hai, kuch mein 67 hai, so how far you can remember, that is up to you. But for 1 and 2, jyadatar questions aate hain on the number of moons in the planets. So in our this session, humne kin topics pe discuss kiya, let's sum it up on the concept of inner, outer and dwarf planets, Roman and Greek names of the planets, number of moons in each planet and some short questions on planets. These are the few basic things which a child should have in his or her mind while attending the paper. Now also I have a question for you kids. Kids, after the whole session, मैंने आप लोगों के लिए दो क्वेश्चन सॉर्ट आउट किए हैं. What is the distance of our planet from the sun? And which planet or planets has or have shorter revolutionary period than ours? ये दो क्वेश्चन के आंसर्स आप सर्च कीजिए, फाइंड आउट कीजिए और अपने नोटबुक में शॉर्टलिस्ट कीजिए फॉर योर कमिंग एग्जाम. और अगर इनके आंसर्स आपको नहीं मिले तो प्लीज मुझे आप ईमेल कीजिए और कमेंट कीजिए. आई विल डेफिनेटली आंसर. दिस विल इंक्रीज योर आईक्यू. एज वी ऑल नो, साइंस इज अबाउट फाइंडिंग एंड फाइंडिंग. सो फाइंड देम आउट एंड लेट मी नो. सो व्यूअर्स, आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा प्लीज लेट मी नो. अगर अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे कमेंट भी कर सकते हैं. यू कैन आल्सो ईमेल मी. मेरा जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाने वाली हूँ दैट विल बी ऑन फेजेस ऑफ मून, दैट इज लूनर साइकिल.
movie especially for the kids, grade 1 and 2. So kids, wait for the next video and thank